आपने ये तो जरूर सुना होगा कि खिसियानी बिल्ली खंबा रौचे, लेकिन आज हम आपको बताते हैं कि जब जेब या खजाना खाली हो जाता है तो इंसान दिमागी दिवालियापन पर उतर आता है। और आजकल पाकिस्तान के मीडिया को देखकर कुछ ऐसे ही लग रहा था, लेकिन आज हम बोलेंगे और तुम सुनोगे, तौबा तौबा आज ये क्या हो गया, तौबा तौबा पाकिस्तान के खिलाफ भारत ने बड़ी कार्रवाई कर दी, तौबा तौबा 12 मिराज विमानों ने पाक और पीओके में घुसकर जैश के ठिकानों को तबाह कर दिया, तौबा तौबा 1000 किलोग्राम के बम गिरा दिए, तौबा तौबा 300 से ज्यादा आतंकी ढेर कर दिए। तो जिस पाकिस्तान की पूरी इकोनॉमी गधों के भरोसे चलती हो, वो हमें गुर्बत का ध्यान झाड़ रहा था आजकल। और इनकी हालत को देखकर तो ऐसा लगता है कि पाकिस्तान में बच्चे भी गधे ही पैदा होते हैं और बड़े होकर गधों से ही उनकी रोजी रोटी चलती है। तो गुर्बत में कौन जी रहा था, चलिए आपकी गलतफहमी भी तोड़ देते हैं आज। और हाँ, पाकिस्तानी मीडिया जरा ये नखरे शकरे दिखाने से पहले अपने लोगों से थोड़ी जानकारी तो मांग ली होती। आज हम बोलेंगे और तुम सुनोगे, कर्ज लेकर घी पीना कोई तुमसे और तुम्हारे पाकिस्तान से पूछे, सिर से लेकर पांव तक कर्ज में डूबा है तुम्हारा पाकिस्तान, दिवालिया होने की कगार पर पहुंच गया है तुम्हारा पाकिस्तान, हर बार भिखारी की तरह कटोरा उठाया और चले गए अपने मुंह बोले पापा चीन के पास। वैसे तुम लोग चीन से जाकर कहते क्या होगे, पापा पापा हम मरने वाले हैं, खाने के लिए अनाज के दाने तक नहीं है, हमें कुछ दे दो ना, यही ना। तुमने ये तो देखा ही होगा पाकिस्तानी मीडिया कि भूखे कुत्ते के आगे जब कोई बोटी डाल देता है तो कुत्ता दुम हिलाने लगता है बोटी डालने वालों के आगे। और एक और गलतफहमी दूर कर देती हूँ तुम्हारी, तुम्हारे यहाँ का रुपया ना भारत के अठन्नी के बराबर है, प्लीज जाकर पढ़ लो, यानी तुम्हारे यहाँ का क्लास 2 ऑफिसर हमारे यहाँ के ऑटो वाले के बराबर भी नहीं कमाता। इन दिनों की मैं बात कर रही हूँ, इन दिनों जो पाकिस्तानी मीडिया के तेवर थे ना, उसे हमारे यहाँ पे भौंकना कहते हैं, भौंकना। और पाकिस्तानी मीडिया, तुम्हें तो ये बाखूबी पता ही होगा कि जो कुत्ते काट नहीं सकते वो सिर्फ भौंक कर ही काम चलाते हैं, लेकिन हम वो शेर हैं जो कहते हैं वो करते हैं। देखा कैसे घुसकर मारा है, तौबा तौबा नेस्त तो नाबूद कर दिया है, तौबा तौबा। और इन दिनों वो कौन सा लफ्ज यूज किया था तुम लोगों ने, हमारे जिहादी तंजीम, वाह वाह, हमारे हाफिज सईद, बहुत खूब बहुत बढ़िया। अरे अगर हिम्मत है तो दुनिया को बताओ ना, हम दुनिया के सामने यही तो कह रहे हैं, ये सारे जिहादी तंजीम तुम्हारे हैं, हाफिज सईद को तुमने पाला है, हिम्मत है तो बताओ दुनिया को, ताकि दुनिया भी देखे तुम्हारे जिहादी तंजीम की हकीकत, दुनिया देखे तुम्हारे हाफिज चाचा की हकीकत और तुम्हारी हकीकत। लेकिन दुनिया के सामने तो तुम्हारी गिग्गी बंद हो जाती है। और पाकिस्तानी मीडिया ने इन दिनों भारतीय फिल्मों पर भी सवाल उठाया, मतलब कोई मौका नहीं छोड़ा कि जिस जैसे भी हो बस हिंदुस्तान का मजाक उड़ा रहे हैं। अरे बरखुरदारो, हमारी इंडस्ट्री ने अगर काम देना बंद कर दिया ना तो भूखे मर जाएंगे पाकिस्तानी कलाकार। याद है ना अदनान सामी, तुम्हारे देश को लात मारकर हमारे देश में आकर बस गए, आतिफ असलम, फवाद खान, हुमैमा मलिक, इमरान अब्बास, मावरा हुकैन, माहिरा खान, अली जबर, मीका जुल्फिकार, वीना मलिक, अर्शी खान, सारा लॉरेन और न जाने ऐसे कितने नाम। सबा कमर तो आपको याद ही होंगी, कैसे पाकिस्तान की कलाई खोली थी सबा ने, साफ कहा था कि हमें शर्मिंदगी उठानी पड़ती है पाकिस्तानी होने पर। तो मत भूलिए कि हमने अगर इन्हें सराखों पर नहीं बिठाया होता तो आज पाकिस्तान में किसी गली या नुक्कड़ पर भजन गा रहे होते, या फिर हो सकता है तुम्हारे अब्बा हुजूर की खिदमत में लोरी सुना रहे होते। और तुम लोगों ने हमारी फिल्म टॉयलेट एक परम कथा पर भी इन दिनों सवाल उठाया, क्या कहा तुम लोगों ने कि हमारे यहाँ टॉयलेट पर फिल्में बनती है। अरे ऊपर वाले ने तुम लोगों को शक के साथ साथ अक्ल भी नहीं दी क्या, पहले जाकर कम से कम फिल्म तो देख ली होती आप लोगों ने। अपने इमरान अब्बा को कहो कि तुम्हारे पाकिस्तान में फिल्म रिलीज करवा दे, लोग देख लें और उन्हें पता चले कि इस फिल्म में क्या है, ये फिल्म लोगों को जागरूक करने के लिए बनी थी। अपने इमरान चाचू को कहो कि तुम्हारे यहाँ भी फिल्म दिखाएं और कम से कम टॉयलेट की हालत ठीक हो सके, मुझे तो शर्म आती है तुम्हारे यहाँ की टॉयलेट की हालत बताते हुए और तुम्हारी हालत बताते हुए। अपनी टॉयलेट की हालत देखिए कभी तुम लोगों ने, मैं बताती हूँ तुम्हारी टॉयलेट की हालत क्या है। 21 करोड़ की आबादी और उसमें भी 7 करोड़ के पास ना तो पीने के लिए साफ पानी है और ना ही टॉयलेट है, कम से कम इस पर तो गौर फरमा लेते पाकिस्तानी मीडिया और आकर के बैठ गए हिंदुस्तान की फिल्मों पर सवाल उठाने के लिए। तौबा तौबा, इन दिनों ऐसा लगता था जैसे किसी ने पाकिस्तान की सारी मीडिया को भांग की गोली दे दी हो, इसलिए नशे में उठकर चले आते थे और अपना पूरा ज्ञान बक्कर निकल लिया करते थे। अब मैं पूछती हूँ, हाउ इज द जोश, क्या कहा डैड सर, रोस्टेड सर, तौबा तौबा ऐसे नहीं कहते, बुरा लगेगा आपके आकाओं को। अब बात तुम्हारे मजहबी ज्ञान की भी कर लेती हूँ, क्योंकि इन दिनों ये भी तुम लोगों ने खूब झाड़ा। तो सुनो तुम गीदड़ और भेड़िए लोग, हमें मजहबी ज्ञान तुम दे रहे थे, तुम्हारे यहाँ हिंदुओं का कत्लेआम होता है, 25 सालों में उनकी आबादी बेहद कम हो गई, कम से कम ये तो पढ़ लिया होता कि पूरी दुनिया में सिर्फ हिंदुस्तान ही वो देश है जहां सारे मजहब के लोग एक साथ रहते हैं और सबको आजादी है प्यार से मोहब्बत से रहने की। और हाँ, मुसलमानों को जिक्र भी इन दिनों तुम लोगों ने खूब किया वहां की मीडिया ने कि मुसलमान यहाँ पे हिंदुस्तान में परेशान है। अरे किस मुसलमान की बात कर रहे हो आप लोग, मैं भी एक मुसलमान हूँ और मुझे फख्र है, गर्व है अपने हिंदुस्तानी होने पर, और उस अल्लाह का लाख लाख शुक्रिया अदा कर
करती हूँ कि उसने मुझे हिंदुस्तान की सरजमी पर पैदा किया है। तो सुन लो पाकिस्तान और सुन लो पाकिस्तान की मीडिया, सुन लो तुम गीदड़ और भेड़िए लोग, हिंदुस्तान शेर है, शेर शेर था, शेर है और शेर रहेगा। और ये हम क्यों कह रहे हैं, इसका सबूत आज तुम्हें मिल गया है। तुमने ठीक ही कहा था कि अब ये 1947 और 48 का हिंदुस्तान नहीं है। ये भी गलतफहमी दूर कर लो कि 1971 का हिंदुस्तान है। अब की बार घुटने पर तो झुका दिया है और जरूरत पड़ी तो काट कर रख देंगे। याद है ना 2016 घर में घुसकर सेका था और वैसे ही आज फिर से सेका है, क्योंकि हम बोल कर मारते हैं, सामने से मारते हैं, हम तुम्हारी तरह बुज़िल नहीं है। और अब तुम लोग बदले की बात कर रहे हो, किससे बदला लोगे? हमारी शराफत देखो, अभी भी शर्म महसूस करो कि हमने ना शहरियों को निशाना बनाया है, ना तुम्हारी फौज को निशाना बनाया है, सिर्फ आतंकी और उनके कैंपस तबाह किए हैं। तुम्हें तो हमारा शुक्रगुजार होना चाहिए कि तुम्हारा काम हमने कर दिया, बाकी जो बचे उन्हें अगर खुद तबाह कर लो तो इसी में तुम्हारी खैर है। क्योंकि सोचिए, अगर जंग हुई तो तुम्हारा मुल्क हिंदुस्तान के सामने कितने मिनट टिकेगा? ये सवाल अब पाकिस्तान के हुक्मरानों को भी परेशान कर रहा है, क्योंकि तुम्हारे पाकिस्तान को एहसास हो चुका है कि उस पर जो ये बड़ी आफत आई है वो अब थमने वाली नहीं है। और आखिर में कान खोलकर एक बात और सुन लो, जिस दिन हमारे देश के नौजवानों का, देश के नागरिकों का और ज्यादा दिमाग घूम गया ना, उस दिन कराची, इस्लामाबाद और लाहौर में भी तिरंगा लहराता हुआ नजर आएगा। फिर तुम्हारे पास बिलबिलाने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचेगा। जय हिंद, जय हिंद। और आखिर भारत जीत गया। सूत्रों के अनुसार कुछ दिन पहले भारत की 12 तैयारे पाकिस्तान में दाखिल हुए, पाकिस्तान की के सरहदी देहात पर बम बरसाए और फ्यूल टैंक जो है फेंक कर कामयाब कार्रवाई करके वापस चले गए। इस कामयाब कार्रवाई में पाकिस्तान के 3 आतंकवादी, सनोबर के दरख्त, कुछ आतंकवादी खास जिस पर बैठकर जैश ए मोहम्मद संगठन वाले भारत पर हमले की सुनोचना बना रहे थे, और एक आतंकवादी कवा भी हलाक हुआ जो भारतीय सेना को मतलूब था। और बताया जा रहा है कि यह आतंकवादी कवा संगठन का कमांडर था। भारतीय मीडिया नाच नाच कर पागल हो गया है और जश्न मनाया। जाहिर है एक आतंकवादी संगठन का कमांडर कवा मार लेना भी बड़ी कामयाबी है। सुना है इस पर भी भारत में एक फिल्म बनाई जा रही है जिसका नाम होगा एक था कवा। वैसे अपनी आवाम को तो ये चूरन बेचा कि हमने 300 आतंकवादी मार दिए, ख्वाबों में, ख्यालों में, फिल्मों में, जिनको अपने घर में 300 किलो बारूद नजर नहीं आया, इनको रात के अंधेरे में आतंकवादी कैसे नजर आए, ये अभी तक मालूम नहीं हुआ। लेकिन क्योंकि ये बात भारतीय मीडिया के सूत्रों ने बताई है तो चलो मान लेते हैं। मालूम नहीं भारतीय मीडिया के ये सूत्र पाकिस्तान के सरहदी इलाके में जंगल में क्या कर रहे थे। खैर, इस बड़ी कामयाबी पर भारतीय मीडिया और बीजेपी को मुबारकबाद, बहुत मुबारकबाद। अच्छा जी, इसके बाद क्या होता है, पाकिस्तान का माहौल इन लोगों ने खराब करने और दरख्त तबाह करने के खिलाफ हम लोग इंशाल्लाह भारत के खिलाफ जो है अक्वामे मुत्तहिदा में केस करने जा रहे हैं। सूत्रों के अनुसार अगले ही रोज पाकिस्तान की फजाइया के 3 तैयारों ने इनके कब्जा शुदा कश्मीर में घुसकर इनके 6 ठिकानों पर कामयाब हमला किया और वापस अपनी हदूद में आकर भारतीय तैयारों का इंतजार करने लगे। क्योंकि पाकिस्तानी तैयारे फिजा में थे, इस वजह से भारतीय मीडिया के सूत्रे वहां तक पहुंच नहीं सके, क्योंकि इनको उड़ने की प्रैक्टिस नहीं। लड़ाई के वक्त ये सूत्रे गटर में घुस के रिपोर्टिंग करते रहे। खैर, 6 भारतीय तैयारे पाकिस्तानी हदूद में दाखिल हुए, जिसमें से 2 को टारगेट किया गया और गिरा दिया गया, क्योंकि हुक्म 2 तैयारे गिराने का था। अगर 6 गिरा दिए जाते तो मजीद 4 कप चाय जो है हराम करना पड़ती। खैर, 2 भारतीय तैयारे जो है 2 तैयारे भारत के अपने तबाह हो जाना भी सूत्रों के अनुसार भारत और भारतीय मीडिया की बड़ी कामयाबी है। क्योंकि सूत्रों के अनुसार लित्तर खाना, लित्तर परेड करवाना भी कामयाबी ही है, कामयाबी कहलाता है इनके लिए। इस कार्रवाई के बाद भारतीय साबिक एयर चीफ का बेटा विंग कमांडर जिंदा बच जाने में कामयाब हो गया, आम पाकिस्तानियों के हत्थे आ गया। किस्मत में चपेड़े लिखी हो तो बंदा जंगी जहाज पर बैठ कर भी पहुंच जाता है। बस भारत का विंग कमांडर अभिनंदन जंगी जहाज पर बैठ कर पाकिस्तान सिर्फ पाकिस्तानी आवाम से चपेड़े खाने आया। और सूत्रों के अनुसार आतंकवादी पाकिस्तानियों ने अमन पसंद घुस बैठियों को घसीट घसीट कर मारा, और सूत्रों के अनुसार अभी गधे पर बिठाकर सैर करवाना बाकी ही था कि पाक फौज के जवान मौका पर पहुंच गए और इसको बचाकर ले गए और कहा कि गधे पर बैठा गधा अच्छा नहीं लगता। इसके बाद अच्छा सलूक किया गया इसके साथ। सूत्रों के अनुसार पतली दाल खा खाकर भारतीय फौजी
जो है इतना ज्यादा उस वक्त उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए जब इसके सामने भुना हुआ कढ़ाई गोश्त और बेहतरीन चाय रखी गई। ये देखकर अपनी फौज को मिलती हुई दाल का सोच सोचकर धाड़े मार मार के रोता रहा और सूत्रों के अनुसार कैद में मोदी को मां बहन की गंदी गंदी गालियां देता रहा। यह हमें दो वक्त की पतली दाल खिला खिलाकर मरवा रहा है और पाकिस्तानी फौज तीन वक्त का अच्छा खाना खाती है और हमें एक वक्त की दाल भी बड़ी बुरी मिलती है। सूत्रों के अनुसार एक कप चाय की कीमत भारत को दो तैयारों और कई मुर्दारों की शक्ल में चुकाना पड़ी है। यह भारत की बड़ी कामयाबी है। जितनी जो है चाय की जरूरत हो बस इतने ही तैयारे बढ़ाते जाए। पाकिस्तान बहुत ही मेहमान नवाज है। पाकिस्तान आर्मी ने इसको किसी भी मारपीट से दूर रखा इंसानियत के नाते। इंसानियत भी इंसानों में होती है, जानवरों में नहीं होती। और इन ही दिनों में खुद को अमन पसंद कहने वाले भारत के अमन पसंद जानवरों ने भारतीय जेलों में कैद दो निहत्ते पाकिस्तानियों को कत्ल कर दिया और सूत्रों के अनुसार ये दुनिया को भारत की तरफ से अमन का पैगाम भेजा गया क्योंकि भारत अमन पसंद मुल्क है और पाकिस्तान आतंकवादी मुल्क है। इसके बाद पाकिस्तान के पढ़े लिखे वजीर आजम ने दोनों ममालिक के 1,80,00,000 लोगों को एक आतंकवादी जाहिर चाय वाले की खुद साख्ता जंग से बचाने के लिए इस भारतीय विंग कमांडर जिसको ये अपना हीरो बता रहे हैं, जो अपना तैयारा तबाह करवा कर फिर पाकिस्तानी अवाम से लित्तर खा चुका था। यह लित्तर खाने वाले हीरो दुनिया में पहली दफा देखे हैं क्योंकि भारतीय फिल्मों में तो हीरो पाकिस्तान में आकर पाकिस्तानियों को कत्ल करके वापस चले जाते हैं, मगर क्या करें, सूत्रों के अनुसार हकीकत में भारतीय हीरो ऐसे ही लित्तर खाने वालों को कहा जाता है। पाकिस्तान ने भारतीय हीरो को छोड़ने का ऐलान किया और बड़ेपन का सबूत दिया। इसके बाद से भारतीय मीडिया के सूत्र सख्त परेशान और इस परेशानी में इन सूत्रों को इस बात में भी अपनी जीत इनको बनाना शुरू किया और कहा पाकिस्तान डर गया। ये अजीब डर है जिसमें लित्तर भी मारे, जहाज भी तबाह किए और आपके बंदे भी गिरफ्तार किए और डर भी पाकिस्तान गया, यानी हमारी अमन पसंदी को भी आपके जाहिल सूत्र अपनी जो है जीत बता रहे हैं। यकीन करें अब तक जितनी जीत की कहानियां आपको ये सूत्र सुनाते आए हैं वो सब इसी किस्म की जीत थी। इस जाली जीत की खुशी में भारत ने अपना एयर चीफ को हटा दिया है। हमारे यहां तो कामयाबी पर इनाम दिया जाता है, तरक्की दी जाती है और नाकामी पर जो है वो पोस्ट से हटा दिया जाता है, लेकिन आपके यहां तो शायद उलट होता है। सूत्रों के अनुसार मुझे वो बात याद आ रही है कि एक चोर पकड़ा गया, पुलिस वाले ने इसके सामने 100 प्याज रखे और कहा या तो ये प्याज खा लो या तो 100 छितर खा लो। तो चोर ने कहा कि जी मैं प्याज खाऊंगा। अभी 10 ही प्याज हुए थे कि उससे जो है बर्दाश्त न हुआ तो वो बोला 76 खाऊंगा। पुलिस वाले ने 76 मारना शुरू किया। अभी 10 ही हुए तो उसने उसको जब 10 76 पड़े तो उसने कहा तकलीफ हुई तो बोला कि मैं अब प्याज खाऊंगा। इसी तरह 100 76 भी खा लिए और 100 प्याज भी और एंड पर चोरी भी दे दी। यहां भी बिल्कुल वही हुआ, पहले प्याज दिए, वो भारतीय जनता पार्टी और भारतीय मीडिया को हजम नहीं हुए, बोले 76 खाएंगे, फिर 76 मारे गए, फिर बोला प्याज खाएंगे, अब दोबारा प्याज दी गई। भारतीय मीडिया को ठीक ठाक लिटरेशन के बाद प्याज मुबारक, लित्रों से बचकर प्याजों तक पहुंचना ये आपकी बहुत बड़ी कामयाबी है और हम आपकी कामयाबी पे आपको मुबारकबाद पेश करते हैं। लेकिन ये सोच लें प्याजों के बाद अगला नंबर लित्रों का है, ये प्याज ज्यादा देर तक हजम नहीं होते। खैर बकवाल आपके, ये पाकिस्तान की नाकामी है और भारत की कामयाबी है। पाकिस्तान भारत से डर गया है, हम उम्मीद करते हैं ऐसे ही आपको हमेशा प्याज मिलते रहे और ऐसी कामयाबी आपको हमेशा मिलती रहे। हम हमेशा आपके लिए दुआगो हैं। आखिर में मेरा पैगाम भारत की जनता के लिए है, पाकिस्तान एक अमन पसंद मुल्क है, आपके ये सूत्र और दहशतगर्द कौम परस्त जमातें अमन की दुश्मन है और जाहिर है किसी को थप्पड़ मारोगे तो वो जवाब में आपको फूल नहीं देगा। आप हमारी अमन पसंदी को हमारी कमजोरी समझने की कोशिश करना जो है कभी मत करें। आपके ये सूत्रे आपसे झूठ बोलकर आपकी इज्जत खाक में मिला रहे हैं और पूरी दुनिया में आप इस वक्त मजाक, आपकी पूरी दुनिया आपका मजाक उड़ा रही है। इस वक्त आप पूरी दुनिया में मजाक बन चुके हैं। ये झूठ फैलाने वाले मीडिया के जो सूत्रे जिनको जंग का बहुत शौक है इनको बॉर्डर पर भेज दें। मरने का ठेका सिर्फ आपकी फौज ने नहीं ले रखा, इन सूत्रों को बॉर्डर पर भेज दें और ये अपनी कौम पर जमातों को कंट्रोल कर लें। यकीन कर लें अमन हो जाएगा। यही वो सूत्रे हैं जो डॉलरों के लिए डिसइंफॉर्मेशन फैलाकर दुनिया की सबसे घटिया रिपोर्टिंग कर रहे हैं और आपके जज्बात से खेलकर आप ही की जो चिता जलाने का बंदोबस्त कर रहे हैं।
दोनों ममालिक की जनता अमन चाहती है और बुनियादी जरूरियात जिंदगी की चीजें और इंसाफ का निजाम चाहती है। जंग में सिर्फ आम लोग मारे जाते हैं, जंग किसी भी मसले का हल नहीं। अमन को फरोग दें, यही दोनों ममालिक के लिए बेहतर है। ये इंतहा पसंद जहनियत ये दुनिया पर बोझ है। अल्लाह ताला आप सबकी हामी नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाक फौज।